का, लेकिन रात का वक्त इसीलिए चुनते हैं कि लोग घरों से निकलते हैं, लोग खुलकर बातें करते हैं, बताते हैं कि शहर के विकास की रफ्तार क्या है। जब दो प्रत्याशी चुनाव मैदान में है तो किससे क्या उम्मीदें हैं, और यही जानने हम निकले हैं। तो हम जायका लेंगे चुनाव का, जायका लेंगे यहाँ के खान पान का, लेकिन मुख्य बात वही होगी कि आखिर लोग सोचते क्या है। तो चलिए आज समझते हैं रतलाम का चुनावी जायका। मध्य प्रदेश में निकाय के दूसरे दौर के मतदान में रतलाम के भाग्य का फैसला अभी होना है। ये शहर सेव, साड़ी और सोना के लिए अपनी पहचान रखता है। इन दिनों यहाँ चुनाव का शोर खूब है। दोनों ही दलों के लोग अपने समीकरण भिड़ाने में लगे हैं, लेकिन नाथ की पाव भाजी का जायका लोगों को खूब भाता है। फिर क्या, हमें तो यहाँ का चुनावी जायका मिल गया। रतलाम में हूँ मैं, चुनावी जायका लेने निकला हूँ, लेकिन चुनावी जायके के साथ रतलाम में श्रीनाथ पाव भाजी का जायका देखिए आप। काफी भीड़ खड़ी हुई है, जहाँ भी देखेंगे लोग नजर आ रहे हैं। अब क्या खासियत है ये तो लोगों से चमकेंगे, लेकिन आप देखिए काफी भीड़ लगी है और पाव भी रखे हुए हैं। पाव भाजी पुलाव सेंटर है, तीन नए नए युवा दिखाई दे रहे हैं बनाने वाले, जो लगे हुए लगातार काम में, लेकिन काफी भीड़ भाड़ यहाँ दिखाई दे रही है। और बाहर भी देखिएगा, बहुत चाहे महिलाएं हो पुरुष हो, सभी यहाँ पहुंचे हुए हैं। मैडम आप भी लाइन में हैं क्या? लाइन में खड़े हैं। क्या लेने आए आप? पाव भाजी। यहाँ कुछ खास होता है? अच्छी लगती है, टेस्टी। आप यही रहती रतलाम जी? चुनाव में क्या होने वाला है? रतलाम में चुनाव की जाएगा क्या कहता? ज्यादा तो कांग्रेस का ही बोल रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा क्या उम्मीद है रतलाम में जो नया महापौर बनेगा उससे आप लोग क्या चाहते? साफ सफाई का अभी कमी है। हाँ कैसा लगता है रतलाम? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। ये पाव भाजी अच्छी लगती है। क्या रतलाम से क्या उम्मीद है, कैसा होना चाहिए आपके शहर का महापौर? महापौर जो है वो पूरे रतलाम का ध्यान रखे, स्वच्छ करे, साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखे। कोई दिखाई देता है दो में से कुछ नजर आ रहा है? कौन सा ठीक हो सकता है? मयंक जाट सही है। अच्छा चलिए, कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दल है और काफी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हैं। ये कर सकते हैं आप लोग से बात, हम लोग भोपाल से आए, चुनाव क्या कहता है यहाँ का ये, और यहाँ की पाव भाजी के लिए आप लोग सब, मैं देख रहा हूँ सब खड़े हुए, तो कुछ खासियत होती है क्या पाव भाजी? खासियत तो है, बहुत टेस्टी है इधर का। क्या क्या कुछ करता है वो जो आप लोग नहीं बना पाते और यहाँ खड़े हुए? वो तो होता है, घर का अलग होता है और दुकान का, चाहे कुछ भी हो दुकान का अलग टेस्ट अलग ही होता है। रतलाम का जायका क्या कह रहा है, चुनाव का जायका देखते हैं, लेट्स सी। अब जायका भी समझ लेते हैं, काफी भीड़ है यहाँ और हर हाथ में देखिए ये भाई साहब भी क्या है, सब लोग एक एक प्लेट लेकर जा रहे हैं। क्या बहुत टेस्टी है पाव भाजी इन एंटर रतलाम, तो इधर आधा घंटा लाइन लगा भी लेना पड़ता है क्योंकि इतना डिलीशियस कोई नहीं बनाता है, तो आधा घंटा भी हम लोग लाइक आई वेट 30 मिनट्स टू द पाव भाजी। चुनाव में क्या होगा रतलाम में? चुनाव के बारे में आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स प्लीज। चलिए चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी तो एक ही इंटरेस्ट है कि कैसे हमारा नंबर लग जाए। और आप देखिएगा, क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक कब से ये कर रहे हो? 7 साल से। जी 7 साल से। बड़ी भीड़ लगा रखी है, क्या खाते हो? स्वाद के कारण। ऐसा क्या बनाते हो? पाव भाजी पुलाव सब बनाते हैं। मन से? नहीं तो इतनी भीड़ लगी किस तो खास होगा। मन से बनाते नहीं। माधुर व्यवहार है और प्रेम है। ये बताओ कि चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव के बारे में तो इतनी राय नहीं हमारे पास। बीजेपी के हैं कुछ, कांग्रेस के हैं कुछ, बीजेपी के हैं कुछ, कांग्रेस के हैं। लेकिन क्या दिखाई देता है, किसको उम्मीद है? कुछ ना कुछ तो खिलेगा। लेकिन एक तरफ पाव भाजी है और दूसरी तरफ क्या बना रहे हैं आप? ड्राई मंचूरियन। ड्राई मंचूरियन 7 साल हो गए। अब तो क्या है, अब चुनाव के नतीजे पे अपन कुछ क्या कह सकते हैं, तय करेंगे। लेकिन आप लोग, आप रतलाम के हैं जी, कैसा होना चाहिए आपका महापौर? महापौर तो अच्छा होना चाहिए, जो विकास को गतिशील दे और सबकी सुने और सबको लेके चले। किसी से उम्मीदें दिखाई देती है ना? उम्मीद तो यही जिसकी सरकार है उसको ही आना चाहिए। मंचूरियन का जायका अच्छा है यहाँ का, एक नंबर। और चुनावी जायका क्या कहता है? बढ़िया है वो भी, खिलेगा ही शरीफ कमल का फूल। कह रहे हैं, खैर हम नहीं कहते, और कई तरह की बातें। क्या करते हैं आप?
हम स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं। वोट करेंगे? हाँ बिल्कुल। क्या उम्मीद है रतलाम के लिए आप लोगों? हमारे रतलाम की उम्मीद है कि हमको अच्छा विकास कार्य किया जाए, सड़कों का निर्माण अच्छे से किया जाए, पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, उसके अलावा बहुत सी और भी चीज़ें हैं। किससे लगती है उम्मीद है? दो दल खड़े हैं, एक बीजेपी है एक कांग्रेस है, क्या दिखाई देता है? दोनों प्रत्याशियों के बीच में टक्कर तो बिल्कुल कड़ी टक्कर है। बिल्कुल। हम निकले हैं रतलाम में चुनावी जायका लेने, लेकिन जायके के साथ कई दफा ऐसा जायका लेने भी पहुंच जाते हैं। आप देखिए पाव भाजी है श्रीनाथ जी की, काफी भीड़ भाड़ लगी और कहते हैं कि दिन भर यही हाल होते हैं। दो बच्चे हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन काम ऐसा करते, खान पान ऐसा टेस्टी है कि लोग लाइन लगाकर खड़े रहते। तो हमें तो दोनों तरह के जायके मिल गए, पाव भाजी का जायका भी हमने देख लिया, लोगों से पूछ लिया, और चुनावी जायका भी मिल गया। लेकिन रतलाम की गलियों में भी देर रात तक चुनावी गाड़ियां दौड़ते भागते नजर आ रही हैं और मतदाता चुनाव का गणित लगा रहा है। देर रात तक चुनाव प्रचार चल रहा है, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों के लोग पहुंच रहे हैं, तमाम सारी महिलाएं यहां खड़ी है। ये खटीक मोहल्ला कहलाता है, खटीक मोहल्ला कहलाता है, भामी मोहल्ला। क्या होगा चुनाव में? क्या होगा अब चुनाव में? दो ही पक्षों की लड़ाई चल रही है, जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा। अच्छा क्या होगा चुनाव में? नहीं आता चुनाव में क्या? सर हमारी नाली की बड़ी परेशानी बहुत आ रही है सबसे ज्यादा, देख बस और कोई परेशानी नहीं हमको, हमारी नाली अच्छी करवा दो बस। अच्छा। बस और कोई परेशानी नहीं हमको। सर ये नाली 24 घंटे भरी रहती है, यहाँ पे कई आदमी गिरते रहते हैं आधी रात को। हाँ। गली के अंदर हम बहुत गंदगी में रह रहे हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा। ये हमारे बच्चे उस दिन पहला पानी आया नहीं, उस दिन सारे बच्चे पानी में रहे, इतने इतने पानी में बहुत ज्यादा गंदगी है। वीडियो बनाओ इतने गंदगी, और हम लोग तो बहुत ही ज्यादा परेशान है। उस दिन सारे बिस्तर गीले हो गए, हम लोग साफ करने गली साफ भी करने नहीं आता, कुछ भी नहीं बचा, मतलब पहला पानी आया उस दिन। क्या होगा यहाँ चुनाव में? क्या होगा ये? नहीं आप बताइए ना, क्या होगा चुनाव में? अच्छे वोट दिलेंगे इसको, ये महापौर को। दो महापौर है, एक कांग्रेस है एक भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को। माता जी। हाँ। क्या होगा चुनाव में? अच्छा ही होगा। क्या होगा चुनाव में? क्या होगा यार? ये इनसे पूछो। आप वोट नहीं डालोगे? नहीं डालेंगे, वोट तो डालेंगे। तो फिर क्या भाई साहब? वोट डालेंगे, बरोबर डालेंगे सर। और देखो अब जिस हम डालेंगे इस पे, और आगे क्या होता है क्या नहीं होता वो तो वक्त ही बताएगा। हाँ। इसके अलावा उसके आगे तो पहले कोई कुछ नहीं कह सकता। जनता चाहती है विकास। दिख रहा है विकास के लिए दो लोग खड़े हैं। दो में से अब जो भी विकास हो तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड रहता है। तो आप भी पब्लिक हो? पब्लिक, आम पब्लिक, अपन भी पब्लिक है, लेकिन सारी जनता किसको सपोर्ट करती हो तो बात की बात है। प्रहलाद जी आएंगे, बढ़िया विकास कर रहे हैं। अभी करेंगे विकास? अब करेंगे, नहीं अभी तक भी किया है इन्होंने, अलकापुरी में भी अच्छा किया है। अभी तक ये पार्षद थे वहाँ पे, तो इनका अच्छा इम्प्रूवमेंट रहा है उधर, और क्या है अच्छा विकास किया है, आप जाके भी देख सकते हैं पूरा, मतलब बीजेपी के। जी 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 बताया भैया। बिल्कुल सरल सा जो है, बिल्कुल सरल आदमी है। इतने साल से मैं अलकापुरी का ही हूँ, मैंने पर्टिकुलरली नोटिस करा इतने सालों में, जब भी मुझे कोई जरूरत पड़ी है। कहाँ पड़ती है यहाँ से अलकापुरी? यहाँ से अपने सेलाना रोड देखकर गए, सेलाना रोड पे है, यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर होगी। हमेशा जब भी मुझे किसी कार्ड की जरूरत पड़ी, हमेशा उन्होंने मेरा सहयोग करा है। बहुत ही सरल सहज है, हम चाहते हैं रतलाम को ऐसा नेता मिले। प्रचार चल रहा है इस समय रतलाम में? आप क्या होगा रतलाम में? रतलाम में मयंक जाट। अच्छा बिल्कुल। ऐसा क्यों दिखाई देता? ऐसा इसलिए अच्छा लगता है कि वो उनका जिस हिसाब से प्रचार वगैरह चल रहा है उनका, और अच्छे नहीं। बस। क्या होगा भैया? देखते अब जो भी होता है, प्रचार दोनों का बढ़िया चल रहा है। जो दोनों प्रत्याशी खड़े हुए हैं, किससे ज्यादा उम्मीदें लगती है आप लोग? ये तो अब वक्त ही बताएगा क्या आएगा। ये तो जी जिस प्रकार से अभी चुनावी माहौल चल रहा है, उस प्रकार से तो दोनों ही पार्टियां हैं जो बिल्कुल बराबर ही चल रही है, लेकिन आगे की प्रतिक्रिया देखते हुए ये लगता है विधायक हमारे यहाँ का जो बीजेपी के हैं, तो महापौर भी बीजेपी के ही चाहिए। विकास हो जिससे, बिल्कुल विकास हो जिससे, नहीं तो उसके बाद हो सकता है विकास भी कहीं डामाडोल हो जाए। क्या होगा चुनाव में? जो चुनाव में जो पक्ष जो सर जीतेगा उस पर वोट डालेंगे सर। कौन सा पक्ष जीतेगा सर? अभी तो देखा नहीं है सर, बाकी आप देखते हैं सर किस पर डाले, जिस पर समझेगा उस पर डाल देंगे अपन, जो भी अच्छा लगे सर अपने को।
जो भी अपने पास डाल देंगे उसी पे डाल देंगे। भाई साहब क्या होगा यहाँ के चुनाव में? चुनाव में अभी तो कुछ नहीं कह सकते भैया, बात के चुनाव के बाद ही मालूम पड़ेगा। अपनों रिपोर्ट एक रात के पलटा मार जाता है आदमी। अच्छा हाँ, तो अभी क्या दिखाई देता है? अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी कोई माहौल ऐसा बन नहीं सकता अभी क्या है। चलिए धीरे धीरे चुनावी पारा चढ़ेगा, माहौल बनेगा, और माहौल बनने के साथ आप देखिए अंदर तो माहौल बन रहा है। एक सज्जन कटिंग करा रहे हैं यहाँ, और उसमें हमें सब कुछ मिल जाएगा। मालिश चल रही है। हाँ क्यों, क्या हो गया यहाँ चुनाव में? चुनाव में क्या दिखाई देता? दो प्रत्याशी खड़े हैं जी, किससे उम्मीद किससे है कि विकास होगा आपका? विकास तो विलास पटेल करेंगे, क्योंकि सरकारी बीजेपी की है तो इनको ही बनना चाहिए। अच्छा जी। अच्छा कितना बदला है आपका रतलाम? काम हुआ है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा विकास हुआ, बहुत विकास। जीतने के चांसेस तो उनके है ज्यादा, कैलाश जी पटेल के, लेकिन मयंक जाट टक्कर देंगे उनको। जीतने के चांसेस इनके बन रहे हैं मयंक जाट के। टक्कर भी है? हाँ टक्कर भी है। कौन सी बात मालूम है आप? मतलब यानी कि यही चुनाव है मयंक जाट के, मतलब ये कह रहे हैं ये तो बीजेपी का गढ़ है वैसे रतलाम, लेकिन ऐसा लग रहा है आपके मयंक जाट का मतलब हो सकता है कुछ। किससे उम्मीदें हैं रतलाम में? मयंक जाट जी। रतलाम अपने अलग अलग जायके के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोगों को जब भी मौका मिलता है तो परिवार के साथ आउटिंग पर निकल आते हैं, फिर भोजन का आनंद भी लेते हैं, जिसके लिए शहर में सबसे ज्यादा राजभोग होटल को पसंद करते हैं। हम भी कुछ देर यहाँ ठहर गए, जहाँ महापौर चुनाव से लेकर राष्ट्रीय राजनीति की जमकर चर्चा हुई। ये रतलाम का कस्तूरबा नगर चौराहा है और काफी चहल पहल। आप देखिए रात का वक्त है लेकिन लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन जब घर से निकलते हैं कई बार घर में एक मन हो जाता है कि चलिए आज बाहर का कुछ खा लिया जाए, तो फिर राजभोग चले आते हैं। लेकिन हमारा मकसद तो राजभोग के अलावा बहुत कुछ है। राजभोग से हम समझना चाहेंगे कि यहाँ का भोजन कैसा है, पर भोजन के साथ, भोजन के जायके के साथ चुनावी जायका क्या कहता है, क्या खासियत है? काफ़ी लोग दिख रहे हैं आपके यहाँ। खासियत तो सर आपको देखना पड़ेगा, आप कुछ होगा कुछ तो विशेष होगा। अब हम कोशिश करते हैं कि जो कस्टमर मांगे वो चीज़ अच्छे से अच्छी दे पाएँ, ये खास बात है, ग्राहक को सब चीज़ें मिले। तो ये जायका तो आप बहुत अच्छा दे रहे हैं, लेकिन चुनावी जायका कैसा मिलने वाला है रतलाम से? तो आप ज़्यादा जानते होंगे, हमारा वोट तो बीजेपी को है। हम तो यही कहते हैं सबसे आप वोट जिसको डालना चाहे डालिएगा, लेकिन आप देखिए काफ़ी परिवार के लोग हैं यहाँ बैठे हुए, शाम का वक्त है, घरों से बाहर निकले हैं और जायका लेने आए। इस जायके में क्या है आज खाने? खाने में ना पनीर, काजू पनीर है और सेव दूध है और रोटी है। हाँ ना शाही, शाही पनीर है ना, इनकी सब्जी बढ़िया, एक नंबर। हाँ एक नंबर खाना। चुनाव में चुनाव जीतेगा और आदमी जो भी जीतेगा, जो चुनाव होंगे और क्या है यहाँ पे, तो कांग्रेस बीजेपी दोनों ही भारी दिख रही है अभी, दोनों में टक्कर है बराबरी की। क्या क्या होगा चुनाव में, यहाँ क्या होने वाला? वैसे तो कांग्रेस ही लग रही है जीतने में। अच्छा कितना विकास हुआ है रतलाम में? अभी तक तो ठीक ठीक था, अब आगे देखो क्या होता है। दो बड़े नेताओं की चर्चा चलती है इस समय देश में, एक राहुल गांधी एक नरेंद्र मोदी, किससे ज्यादा उम्मीद है? नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी से ही है, नरेंद्र मोदी से। बात देश की नहीं हो रही है, यह बात रतलाम की हो रही है। रतलाम ये बात देश की नहीं हो रही है, बात रतलाम की हो रही है। तो रतलाम के तो उनको ही बनना चाहिए, अगर देश का बोला जाए तो फिर नरेंद्र मोदी। रतलाम नगर निगम बीते 3 बार से बीजेपी के कब्जे में रहा है और इस बार भी पार्टी पूरा जोर लगा रही है, इसलिए हर वर्ग को साधने का प्रयास है। राजधानी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ स्थानीय विधायक रात 10 बजे तक मैदान में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही काटजू नगर में बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद पटेल कार्यकर्ताओं के हुजूम के बीच मिल गए, जिन्होंने रतलाम के विकास के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय की है। मध्य प्रदेश में पहले चरण का मतदान हुआ है, लेकिन दूसरे चरण में रतलाम भी एक ऐसा नगर निगम है जहां चुनाव होने जा रहा है। प्रहलाद पटेल यहां से चुनाव मैदान में है। प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री भी है और यहां के प्रहलाद पटेल
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। यहाँ महापौर प्रत्याशी है, लेकिन कांग्रेस से भी एक युवा नेता मैदान में है। पर देर रात हो रही है, आप देखिए काफी हुजूम यहाँ जमा है, भारी तादाद में युवा दिखाई दे रहे हैं। ये देखिएगा, एक तरह से कहा जाए तो चुनावी माहौल भैया में भैया भैया में भैया हमारा महापौर कैसा हो, पहलाद भैया कैसा हो, हमारा महापौर कैसा हो, पहलाद भैया कैसा हो। ऐसे तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं पहलाद भैया जैसा महापौर, अब ये तो जनता तय करेगी। पहलाद पटेल मेरे साथ है। पहलाद जी, चुनाव मैदान में है और अब चुनाव प्रचार के अंतिम दिन दिखाई दे रहे हैं, क्या तैयारियां हैं और किन बातों को लेकर जनता से विश्वास कर रहे हैं कि पहलाद पटेल को चुनेंगे? देखिए, हम पिछले 15 से 20 दिन से जनता के बीच में हैं। जनता का प्यार और विश्वास हमें बहुत भरपूर मिल रहा है और हम इसका कर्ज चुकाने के लिए भी बहुत आतुर हैं। जनता को हमने पूरा विश्वास दिलाया है कि उनकी कोई भी शिकायत हम रहने नहीं देंगे। ग्रीन रतलाम, क्लीन रतलाम की तर्ज पर हम रतलाम में काम करेंगे। हमारे माननीय विधायक चेतन जी कश्यप द्वारा निरंतर विकास कार्य चलाए जा रहे हैं। उनके साथ मिलकर मैं कंधे से कंधा मिलाकर नगर से महानगर की ओर इस शहर को ले जाऊंगा। नगर से महानगर की ओर ले जाएंगे, जैसा आपने कहा ग्रीन रतलाम, क्लीन रतलाम, पहले भी आपके ही तमाम सारे लोग रहे हैं, तो कहाँ कमी छूट गई और वो कौन सी कमियां हैं जिन्हें दूर करना चाहते हैं पहलाद पटेल? देखिए, हमने ग्रीन रतलाम के लिए और क्लीन रतलाम के लिए एक सपना देखा है और उसके लिए हमारा विज़न बिल्कुल मजबूत है। इन 5 सालों में हम रतलाम का नक्शा बदल देंगे। हम एक बहुत बड़ा रीजनल पार्क भी रतलाम को देने जा रहे हैं, जो हमारे घोषणा पत्र में हमने डाला है। करीब 50 बीघा जमीन गंगा सागर में है और उस गंगा सागर को हम फिर से नया गंगा सागर बनाएंगे। पूर्व में एक पिकनिक स्पॉट हुआ करता था जो आज वहाँ पे कॉलोनियाँ बन चुकी है, लेकिन फिर भी एक ग्रीन बेल्ट की एक बड़ी ज़मीन है। एक बहुत बड़ा रीजनल पार्क हम रतलाम को देंगे। सारे शहर के डिवाइडर को सुंदर बनाएंगे। जितने भी बगीचे हैं उनको हाईटेक करेंगे। बगीचों में ओपन जिम रहेंगे। नगर निगम में सिंगल विंडो प्रणाली रहेगी। कोई भी लेट लतीफी वाला कार्य रहेगा नहीं। ये कैसे इतने जल्दी आपने सारी चीज़ें महापौर प्रत्याशी बनने के साथ दिल और दिमाग में उतार ली, जो आप कह पा रहे हैं, क्या कल्पना पहले से थी क्या? मैं 5 साल पहले पार्षद रहा और मैंने अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाया। मेरे वार्ड से आवाज़ उठती है, पूरे शहर में गूंजती है कि हमें ऐसा ही महापौर चाहिए। कांग्रेस ने प्रहलाद पटेल के सामने युवा प्रत्याशी मयंक जाट को चुनावी मैदान में उतारा है, जिनके साथ भी युवाओं का जोश है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता बैठक कर चुके हैं और प्रत्याशी मयंक जाट घर घर पहुंच रहे हैं, जिन्होंने पिछले निगम में हुए भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है। मयंक जाट है, कांग्रेस के युवा प्रत्याशी है, यहां से महापौर के प्रत्याशी बनाए गए मयंक को। मयंक, क्या कहेंगे आप? मैं देख रहा हूं देर रात तक काफी लोग आपके साथ में नजर आ रहे हैं, लेकिन किन बातों को लेकर जनता के सामने पहुंच रहे हैं और क्या उम्मीद है यहाँ की जनता से? जन समर्थन, ये सब मतलब एक तरह से कहा जाए तो ये सब इन सभी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, जो अभी तक इतनी रात में आप देख रहे हैं, रात की 10 बज गई है जब भी साथ चल रहे हैं, और ये जनता का प्यार ही है कि हम भी चले जा रहे हैं उनके साथ में। लेकिन क्या लेकर आ रहे हैं आप जब जनता के पास पहुंच रहे हैं? जनता के पास आप पहुंचेंगे तो क्या लेकर जा रहे हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी यदि मयंक जाट चुने जाते हैं? प्राथमिकता तो सबसे पहले मैंने उनको बोला है कि आपका बेटा ही है। नगर निगम की इतनी समस्या है, 15 साल जनता ने भाजपा की सरकार को मध्य प्रदेश के अंदर, रतलाम शहर के अंदर भरपूर समर्थन दिया, लेकिन 15 साल में भी आज भाजपा को ये याद आ रहा है कि भैया हमको यहाँ पर रोड़े बनानी है। तो आपने 15 साल क्या किया? 15 साल सिर्फ उन्होंने भ्रष्टाचार किया, गरीब वर्ग को, मध्यम वर्गीय वर्ग को और हर वर्ग को उन्होंने परेशान और प्रताड़ित किया है। इसको लेके आज हम एक विज़न के साथ ही रतलाम में जा रहे हैं, उनको एक पूरा विश्वास दिला रहे हैं। हमने शपथ ली है कि जो भी लोग हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी वाले, उनसे जो बाजार बैठक जो वसूली रहती है उसके नाम पे 50-50 रुपये लेके जाते हैं। अब एक आदमी या एक महिला रोज के 200 रुपये कमा रही है, अब उससे भी आप 50 रुपये छीन लोगे तो आप ये किस हिसाब से नगर निगम, नगर सरकार चला रहे हैं? उसके अलावा पानी की अति मतलब बहुत दयनीय स्थिति है यहाँ पर। महीने में 7 दिन नल आता है, लेकिन वो पैसा पूरे महीने भर का लेते हैं, पेनल्टी पूरी जोड़ते हैं। तो हमने उनको वचन दिया इस चीज़ का कि हमारी प्राथमिकता है कि हम आपको हर दिन जल मुहैया कराएं, पानी मुहैया कराएं, लेकिन जब तक
जी हमारा ये है कि जब तक अगर पानी रोज नहीं दे पा रहे हैं या 15 दिन अगर पानी आएगा तो 15 दिन का ही आपको पैसा नगर निगम को देना पड़ेगा। मयंक जाट को क्यों लोग वोट करेंगे? बेटा समझकर, बेटा मानते हैं, तभी आप देखिए आज हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, माताएं सब चल रही है, बेटा समझकर ही वो वोट कर रहे हैं मयंक जाट को। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जैसा आपने कहा 15 साल से सरकारें हैं उनकी, और कहते हैं कि जहां सत्ता होती है वहां कुछ और भी होता है, सत्ता से लोगों को दूसरी उम्मीदें होती है विकास के, लेकिन मयंक जाट जैसा कह रहे हैं बहुत भ्रष्टाचार का मुद्दा है, तमाम सारी चीज़ें लेने के साथ आप जा रहे हैं, तो क्या लगता है क्या मयंक जाट महापौर चुनने जा रहे हैं? बिल्कुल जन आशीर्वाद है, बिल्कुल आपको पूरे मध्य प्रदेश में। और ये पहले आपको पहले बता दूं कि ये चुनाव मयंक जाट नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव यहाँ की रतलाम की जनता लड़ रही है, जिनको 15 साल से भाजपा की सरकार ने प्रताड़ित किया है उनके खिलाफ ये रतलाम की जनता लड़ रही है, और निश्चित तौर पर रतलाम की जनता की ही जीत होगी यहाँ पर। रतलाम में निगम का चुनाव 13 जुलाई को है, इस बीच में प्रचार में और भी धार देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ ये नजर आता है कि ये चुनाव रोचक है। लेकिन इस जायके के बीच में रतलाम का जायका बहुत अलग है, यहाँ जोरदार टक्कर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, हर व्यक्ति अपने अपने दावे करता है, कांग्रेस का दावा है हम जीतेंगे, बीजेपी का दावा हम जीतेंगे, लेकिन जीत हार का फैसला तो ये तमाम सारे लोग करते हैं, और इसीलिए तो हम चुनावी जायका लेने निकले थे। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, रतलाम।